अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, सिंपल और सॉफ्ट तंदूरी नान की रेसिपी, वो भी बिना तंदूर और बिना ओवन के। तवे के ऊपर हम ये नान बनाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। तो चलिए ज़बरदस्ती नान की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑल पर्पज फ्लोर यानी कि मैदा आधा किलो। आधा किलो मैदे में हम डालेंगे तकरीबन एक टीस्पून नमक। नमक आप हसबे जायका ऐड कर सकते हैं। बेकिंग सोडा हम इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून, और इसके अलावा बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे एक टीस्पून। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों ऐड करना है आपने। इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे सिर्फ हाफ टी स्पून। तेल दो खाने के चम्मच, कोई सा भी खाने का तेल ले लें, वेजिटेबल ऑयल दो खाने के चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल लेना है। और आधा कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दही रूम टेम्परेचर पे हो, यानी कि रेफ्रिजरेटर से निकाल कर थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें, और इसके बाद आधा कप दही आपने इसमें ऐड करना है। ठंडे दही का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं करना। दो कप हम इसमें नीम गर्म पानी शामिल करेंगे। डेढ़ कप से दो कप तक इसमें पानी लगता है, ये आपके मैदे पर डिपेंड करता है कि वो कितना पानी सोक करता है, तो आप अंदाजे से इसमें पानी ऐड करते जाएं और इसको अच्छी तरह से इस तरह से नरम सा सॉफ्ट सा आटा गूंद लें। नॉर्मल जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपने आटा गूंदना है। पानी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब हम डो को कवर करके रखेंगे तकरीबन एक से दो घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सा राइस हो जाए, यानी कि थोड़ा सा इसमें आटे में खमीर आ जाए। खमीर आने से क्या होता है कि जो रोटी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और हल्की बनती है। तो तकरीबन एक डेढ़ घंटे के लिए मैंने डो को रखा था, और अब हम इससे पेड़े बनाएंगे। अगर आपको छोटे नान चाहिए तो आप छोटे पेड़े बना लें, थोड़े से बड़े नान चाहिए बड़े साइज के तो आप बड़े पेड़े बना लें। मीडियम साइज के तकरीबन पांच पेड़े यहाँ पर इस डो से बन गए हैं। आटे को आपने अच्छी तरह से कवर करके रखना है ताकि थोड़ा सा इसमें खमीर आ जाए। और अब हम यहाँ पर पेड़ों को अच्छे से बेल लेंगे। पेड़े को आपने थोड़ा सा पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना आपने। इस तरह से छुरी की मदद से हम हल्के से इस तरह से निशान लगाएंगे ताकि नान जो है वो बहुत ज़्यादा फूले नहीं। और इसकी बेक साइड पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये तवे के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। यहाँ पर आयरन के तवे को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मैंने डाला है ताकि मैं इसको चेक करूं कि ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो तवा अच्छी तरह से गर्म था, और अब इसके ऊपर मैंने रोटी डाली है। तो मेरे पास चूंकि ये वाला तवा है, इसलिए इसमें इजीली और आसानी से इस तरह के नान बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का तवा नहीं है तो आप कोई सा भी आयरन का तवा ले लें, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लें, इसके ऊपर भी आप तंदूरी नान बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। नान का पिछला साइड जो है वो मैंने गीला करके इसके ऊपर चिपका दिया है तवे के ऊपर। अब हम तवे को उल्टा करके इस तरह से घुमाएंगे। फ्लेम के ऊपर मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, और फ्लेम के ऊपर इस तरह से हम तवे को घुमाएंगे गोल गोल। तकरीबन दो से तीन मिनट ऊपर से कुक होने में लगते हैं और पाँच मिनट नीचे से। ये देखें इसके नीचे का आप ज़रा लुक चेक करें। तो इसी तरह सारे नान हम बना लेंगे, और ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त से नान हमारे तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आप सब लोग को ज़रूर पसंद आएगी। इन्हीं टिप्स का ख्याल रखें जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, और इसी तरह से बनाइए
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद टेस्टी डिलीशियस और इजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।